विहार सेवक ने बचाई तीन साध्वी जी भगवंतों की जान। श्री डीसा जैन संघ के एक सक्रिय कार्यकर्ता एवं श्री डीसा जैन संघ विहार सेवा ग्रुप के सदस्यों में से एक सीए अरविंद भाई सेठिया के साहस और सेवा भाव की एक ऐसी घटना हाल ही में घटित हुई है जिसने गुरु भक्ति एवं विहार सेवा के जगत में एक अद्भुत मिसाल कायम की है। वो घटना क्या थी, आइए जानते हैं, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। परम पूज्य आचार्यगण श्रीमद विजय श्रेयांश प्रभसर शिजुमार साहब आदिठाना एवं पूज्य साध्वी जी भगवंत आदिठाना यानी कि लगभग 50 साधु साध्वी जी भगवंतों का विहार गुजरात के डीसा शहर की तरफ चल रहा था। तारीख 27 फरवरी 2024 के दिन श्री डीसा जैन संघ के विहार सेवा ग्रुप के 5 विहार सेवक पूज्य गुरु भगवंतों के कंसारी से डीसा विहार के दौरान विहार सेवा देने गए थे। कंसारी से डीसा आते समय बीच में बनास नदी का ब्रिज आता है जिस पर चलने का रास्ता यानी कि वॉकिंग ट्रैक दिया गया है। पांचों विहार सेवक गुरु भगवंतों के साथ आगे पीछे रहकर विहार कर रहे थे। विहार ग्रुप के एक मेंबर अरविंद भाई तीन साध्वी जी भगवंतों के साथ चल रहे थे। वॉकिंग ट्रैक के किनारे से लगभग 20 कदम आगे ब्रिज के कॉर्नर पर वे पहुंच चुके थे। तभी पीछे से एक स्पीडिंग ट्रक यानी कि तेज रफ्तार से चलता हुआ एक ट्रक आया। अरविंद भाई को जैसे ही लगा कि ट्रक उन्हें टक्कर मार सकती है, वैसे ही उन्होंने खुद की जान की चिंता न करते हुए पूज्य साध्वी जी भगवंतों को बचाने के लिए उन्हें दूसरी ओर जोर से पुश किया और वे खुद भी वहां से हटने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उतनी देर में ट्रक ने अरविंद भाई को टक्कर मार दी। पुण्योदय से अरविंद भाई गुलाटी खाते हुए ट्रक जिस दिशा में आ रहा था उससे ऑपोजिट साइड में गिरे। अगर अरविंद भाई ट्रक जिस दिशा में आ रहा था उस दिशा में गिरे होते तो शायद वो ट्रक उनके ऊपर से गुजर सकता था, अनहोनी घटना घट जाती। ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा कि अरविंद भाई के मन में गुरु भगवंतों की जान बचाने के पवित्र एवं शुद्ध भावों के कारण ही उनकी जान बच पाई। पीछे आ रहे विहार सेवकों ने अरविंद भाई को गाड़ी में बिठाया और डीसा हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में श्री डीसा जैन संघ के सभी ट्रस्टीज, श्री डीसा जैन संघ विहार सेवा ग्रुप के सभी मेंबर्स आदि इकट्ठा हो गए। डॉक्टर्स ने अरविंद भाई के टेस्ट्स किए और एक्सरे में पता चला कि अरविंद भाई की कोहनी और कंधे में फ्रैक्चर हुआ है। जिन साध्वी जी भगवंत को अरविंद भाई ने जोर से धक्का मारा था उनकी जान बचाने के लिए, उन्हें भी धक्का लगने के कारण पैर में कुछ चोटें आई है, जिसके कारण विहार करके डीसा आने के बाद साध्वी जी भगवंत का भी चेकअप करवाया गया। प्रभु की कृपा से पूज्य साध्वी जी भगवंतों को कोई मेजर चोट नहीं आई है। हॉस्पिटल में सभी को इकट्ठा देखकर अरविंद भाई ने सभी से पूछा कि आप सभी यहाँ पर है तो पूज्य साध्वी जी भगवंत के साथ कौन है, साध्वी जी भगवंत छाता में तो है ना। स्वयं को इतनी चोट आने के बावजूद भी अरविंद भाई को खुद की नहीं बल्कि साध्वी जी भगवंतों की चिंता थी। आज के स्वार्थ भरे जमाने में जहाँ पर कई सगे भाई भी एक दूसरे की सहायता नहीं करते, पीछे हटते हैं, वहाँ पर अरविंद भाई की निस्वार्थ गुरु भक्ति की हम अंतर मन से अनुमोदना करते हैं। हमने अरविंद भाई से संपर्क किया और उनके स्वास्थ्य आदि की जानकारी ली। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप फिर से स्वस्थ होकर विहार सेवा में जुड़ेंगे क्या, क्योंकि ऐसी घटना के बाद तो कोई भी स्वाभाविक रूप से डर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा, ये उनके शब्द थे, कि ये जीवन गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से मिला है, ये जीवन मेरा है ही नहीं, ये तो बोनस में मिला है, अब तो जीवन परिवर्तन करना है। उन्होंने आगे कहा कि अब धीरे धीरे बिजनेस कम करके साधु साध्वी जी भगवंतों की वैयावच और शास्त्रों के अभ्यास में जीवन न्यौछावर करना है, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 20 25 50 करोड़ 100 करोड़ इस तरह जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा लालच कभी खत्म होता ही नहीं। आखिर में हार्ट अटैक या फिर अन्य कोई भी तरीके से एक क्षण में जीवन का अंत होता है, एक पल में मृत्यु आती है और सब कुछ खत्म। इसलिए अब शासन के लिए जीना है, ये उनके शब्द थे। ये विहार सेवक अलग ही मिट्टी के बने हो ऐसा लगता है। जानकारी के लिए बता दें कि श्री डीसा जैन संघ विहार सेवा ग्रुप के प्रणेता परम पूज्य आचार्यगण श्रीमद विजय महाबोधि सुरेश जी मार साहब है। सीए अरविंद भाई सेठिया श्री डीसा जैन संघ के सक्रिय कार्यकर्ता है और डीसा जैन संघ विहार सेवा ग्रुप में विहार सेवकों को लेने जाने का कार्य हो या फिर गुरु भगवंतों की विहार सेवा का कार्य हो, अरविंद भाई हमेशा विहार सेवा का अद्भुत लाभ लेते रहते हैं। फिलहाल डॉक्टर्स ने कहा है कि अरविंद भाई को रिकवर होने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि अरविंद भाई जल्द ही स्वस्थ हो और विहार सेवा के जगत में गुरु भगवंतों की अनमोल सेवा भक्ति का लाभ लेते रहे। धन्य है ऐसे वीर विहार सेवक जो खुद की जान को भारी खतरे में डालकर भी पूज्य गुरु भगवंतों की अद्भुत भक्ति एवं सेवा करते हैं। व्हाट्सएप पर विहार को लेकर सजेशंस देना कोसना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर विहार सेवा में जुड़ना बहुत बहुत कठिन कार्य है। आलस का त्याग करना पड़ता है। 5 मिनट और सोना है, 5 मिनट और सो जाता हो, 10 मिनट और, इस चीज का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के विहार सेवा हो पाती है। सभी विहार सेवकों की अंतर मन से अनुमोदना। जय जिन शासन, जय महावीर।